मुंबई में सलमान के घर पर फायरिंग मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कच्छ क्राइम ब्रांच और मुंबई क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट ऑपरेशन में दोनों आरोपी गिरफ्तार। बिहार के चंपारण के रहने वाले हैं दोनों आरोपी विक्की साहब गुप्ता और श्री सागर श्री जोगेंद्र पाल है नाम। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दोनों ही आरोपियों का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है कनेक्शन। किसी भी वक्त दोनों ही आरोपी विक्की और सागर को मुंबई लाया जा सकता है, पूछताछ करेगी पुलिस। रविवार को सलमान के घर पर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग हुई थी और बाइक सवार दोनों ही बदमाश गोलीबारी करके हुए थे फरार। दोनों आरोपियों को दबोचने के लिए महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली हरियाणा राजस्थान गुजरात और बिहार की पुलिस की टीमें लगी हुई थी। दोनों शूटर्स ने सलमान के पनवेल फार्म हाउस के पास में किराए पर लिया हुआ था कमरा, वहां पर रहकर सलमान के पनवेल फार्म हाउस की कर रहे थे रैकी। मकान की तस्वीरें भी आई सामने। फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया जिसमें दोनों ही आरोपी साफ साफ दिख रहे हैं। कच्छ क्राइम ब्रांच की जारी की गई दोनों ही आरोपियों की तस्वीरें भी। शुरुआती पूछताछ के मुताबिक आरोपी सागर ने की थी सलमान के घर पर फायरिंग। दोनों आरोपियों ने करीब एक महीने पहले रची थी इस हमले की साजिश। आज से बिहार के दो दिन के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री। बिहार के गया में और पूर्णिया में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। सुबह गांधी मैदान में पीएम की पहली जनसभा और हम उम्मीदवार जीतन राम मांझी के लिए मांगेंगे वोट। दोपहर में पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जेडीयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा के लिए जनता से करेंगे वोट की अपील। बिहार के बाद पीएम मोदी बंगाल में पहुंचेंगे, चुनावी शंखनाद करेंगे। पश्चिम बंगाल के बेलूर घाट में रैली को करेंगे संबोधित। जम्मू जिले के को भी दोपहर एक बजे तक नो ड्रोन जोन यानी कि अस्थायी रेड जोन किया गया घोषित। गृहमंत्री अमित शाह के दौरे के मद्देनजर लिया गया फैसला। अमित शाह का जम्मू कश्मीर उत्तराखंड और एमपी इन तीनों ही राज्यों में चुनावी रैलियां। जम्मू में तो उसके बाद दोपहर में कोटद्वार में, शाम को छिंदवाड़ा में जनता के बीच में होंगे अमित शाह। मिशन दक्षिण पर निकले जेपी नड्डा तमिलनाडु के रामनाथपुरम में करेंगे रोड शो। दोपहर में आजाद नगर में पुराने बस स्टैंड तक करेंगे रोड शो। रक्षा मंत्री भी दक्षिण में बजाएंगे बीजेपी के प्रचार का बिगुल। कृष्णागिरी और तिरुवन्नमलाई में रक्षा मंत्री का रोड शो। राहुल गांधी की सुबह से लेकर शाम तक केरल में कई चुनावी कार्यक्रम, साथ ही दिल्ली में दोपहर में कांग्रेस वर्चुअल करेगी सीईसी की बैठक में बाकी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा। नागालैंड के दीमापुर में मल्लिकार्जुन खड़गे दोपहर में करेंगे पब्लिक मीटिंग और जोरहाट और त्रिपुरा पश्चिम में प्रियंका गांधी वाड्रा का रोड शो। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का इंटरव्यू। सीबीआई ईडी की कार्रवाई पर बोले कि किसी को डरने की जरूरत नहीं। हमने कहा कि मेरे फैसले किसी को डराने या फिर किसी को कमतर करने के लिए नहीं होते, वो देश के समग्र विकास के लिए बनाए जाते हैं। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मेरे निर्णय किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को दबाने के लिए भी नहीं है। मेरे निर्णय देश के सर्वांगीण विकास के लिए है। पीएम ने देश के लिए अपना विजन बताते हुए 2047 को सामने रखकर कहा कि काम कर रहा हूं, 2047 मील का पत्थर होगा। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले मंदिर के नाम पर लोगों को डराया जाता था, लेकिन मंदिर बनने के बाद से यह मुद्दा विपक्ष के हाथ से निकल गया। आम आदमी पार्टी की आज से शुरू होगी संकल्प यात्रा। केजरीवाल पर लगे आरोप और गिरफ्तारी के खिलाफ यात्रा का मुद्दा। केजरीवाल से जेल में मुलाकात के बाद बोले भगवंत मान, कहा कि मुझे वक्त लगा खुद को संभालने में। दो दिनों के गुजरात के दौरे पर पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान। आम आदमी पार्टी लोकसभा प्रत्याशियों के लिए प्रचार। भावनगर और भरूच में जनता से वोट की अपील। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बोले सीएम प्रमोद सावंत, कहा कि केजरीवाल को पहले रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए। 10 से 11 बार वारंट भेजने के बाद उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया, इसीलिए गिरफ्तार हुए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आम आदमी पार्टी पर सनसनीखेज दावा। नवरात्र में सौहार्द बिगाड़ने का लगाया आरोप। मैनपुरी में आज तक से बातचीत में बोले अखिलेश यादव, बीजेपी 400 पार का नारा इसलिए दे रहे ताकि आरक्षण को खत्म कर दे, वोट छीनने का अधिकार छीन ले, अंबेडकर जी का संविधान बदल दे। सांसद डिंपल यादव आज नामांकन स्थल पर पहुंचकर करेंगे लोकसभा मैनपुरी से नामांकन दाखिल। डिंपल यादव के नामांकन में अखिलेश यादव भी रहेंगे। आज मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव रामपुर में बीजेपी के लिए करेंगे प्रचार। जनसभा कर जनता को बताएंगे मोदी सरकार की खूबियां। जौनपुर से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह। महबूबा मुफ्ती का अनंतनाग से लेकर पुलवामा तक रोड शो, जनता से करेंगे चुनावी वादे।
पटना में सम्राट चौधरी ने लालू के ट्वीट को लेकर कहा कि हमेशा से बीजेपी आरक्षण की पगधर रही है, पहली बार लालू को सीएम बीजेपी ने ही बनाया था और अब फिर से लालू को संविधान की याद आ रही है क्योंकि उनका वोट बैंक खिसक चुका है। जमुई में चिराग पासवान ने लालू प्रसाद के संविधान बदलने वालों के आंख निकालने वाले बयान पर जमकर साधा निशाना, कहा कि किसी में हिम्मत नहीं है कि इस संविधान को समाप्त कर सके। तेजस्वी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि 17 महीनों में आपने कौन साथ देख लिया, कि 17 महीनों में सरकार ने क्या परिवर्तन किया, बस कुछ ना बोलना है। तेजस्वी ने कहा कि हम इन पर कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन यूपी में जो आज के दिन में हालात है, वो स्थिति है, वो किसी से छुपी नहीं है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने जनता को नसीहत दी, कहा कि अगर आप देश की आजादी की रक्षा करना चाहते हैं तो बीजेपी को सत्ता से हटाएं। कोलकाता में टीएमसी नेता कुणाल घोष का रामनवमी को लेकर बीजेपी परिवार कहा कि वो शांति भंग करने के लिए बीजेपी के साजिश है, भगवान राम की पूजा करते हैं। हनुमानगढ़ में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत नजरबंद हुई, विवादित टिप्पणी के असर को लेकर गुजरात पुलिस ने नजरबंद किया। तमिलनाडु के सीएम और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने चुनावी प्रचार के दौरान बीजेपी के घोषणा पत्र को खलनायक बताकर प्रधानमंत्री मोदी को कहा वसूल राजा। अब ईडी नहीं कर सकता नींद के अधिकार का उल्लंघन, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एजेंसी को बयान दर्ज करने के लिए समय देकर एक्शन लेने का निर्देश दिया। इटावा में कार्यालय के उद्घाटन के बाद बीजेपी प्रत्याशी ने कार्यकर्ताओं को दी फर्जी वोट डालने की नसीहत, बीजेपी प्रत्याशी के भाषण का वीडियो वायरल। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया दोपहर में शिवपुरी से भरेंगे नामांकन, बाद में जनता के बीच में पहुंचेंगे, करेंगे जनसभा। कानपुर में बीजेपी का मुकाबला एसपी से या फिर बीएसपी से है, कि सवाल पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कोई मुकाबला है ही नहीं, सब भ्रष्टाचारी हैं। बदायूं से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदित्य यादव पूजा पाठ करने के लिए कई मंदिरों में पहुंचे, बिरुआ बाड़ी मंदिर में भगवान शिव की आराधना की गई। उद्धव ठाकरे गुट को मिली मजबूती, मुंबई के पनवेल के पूर्व नगर सेविका लीना गराड़ उद्धव ठाकरे की पार्टी में शामिल। चंद्रपुर में मतदान को लेकर दिखी अनोखी जनजागृति, शिक्षक ने तैयार किया अनोखा एक विवाह कार्ड। नवसारी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी नशत देसाई ने मुंडवाया से महात्मा गांधी के भेष में करेंगे चुनावी प्रचार। कोल्हापुर के राजू शेट्टी ने बैलगाड़ी में सवार होकर अपना नामांकन किया दाखिल, तस्वीरें भी आई सामने। आजमगढ़ से बीजेपी के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वीडियो में निरहुआ कह रहे हैं कि बेरोजगारी तो वो लोग बढ़ा रहे हैं जो बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। अलवर में प्रियंका गांधी के रोड शो में रामगढ़ विधायक जुबैर खान के साथ हुई धक्का मुक्की, नेता प्रतिपक्ष ने चुनाव आयोग से की शिकायत। कानपुर में आगजनी के मामले में एसपी विधायक इरफान सोलंकी के फैसले की पांचवी बार टली तारीख, बेटे के लिए उमरा करके कोर्ट पहुंची मां, बोले कि मेरे बेटे बाइज्जत बड़ी होंगे। एमपी के गुना में दिग्विजय सिंह ने साधा आरएसएस पर निशाना, कहा कि भारत में मुसलमान कभी बहुसंख्यक नहीं हो सकते, आरएसएस करती है झूठा प्रचार। अलवर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत का मोदी सरकार पर वार, कहा कि बीजेपी का मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा, मोदी की गारंटी नहीं बल्कि ये कांग्रेस से चुराई गई है। जयपुर में गुस्सा है मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का नया वीडियो वायरल, प्रत्याशी के समर्थन में भीड़ नहीं जुटी तो फिर छोड़ दिया मंच। नागपुर में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर व्याप्त किया वार, जमकर कहा कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन की कीमत है 8,552 करोड़, मोदी वॉशिंग पाउडर ने जिन लोगों को ठुकराया वो जेल में चले गए। हैदराबाद में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी हैदराबाद उम्मीदवार माधवी लता का उपगुड़ा से शुरू हुआ चुनावी अभियान। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बर्फी आसमानी आफत, कई इलाकों में तूफानी बारिश और बर्फबारी की तस्वीरें दिखी। जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत के बाद जमीन कई जगहों पर धंसी, कई जगहों पर भूस्खलन हुआ, रोड पर गिरे दिखे बड़े बड़े पत्थर। जम्मू कश्मीर में अप्रैल के महीने में टूटा कुदरत का कहर, तूफानी बारिश हुई और बर्फबारी से कई इलाके बदले हुए दिखाई दिए। गांधरबल इलाके से आई भारी बारिश की तूफानी तस्वीरें, जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में अचानक बाढ़। अमरावती में फिर से हवा और बिजली की चमक के साथ जबरदस्त बारिश हुई, फसलों को नुकसान। गुजरात में बेमौसम बारिश के बीच में गर्मी का पारा 40 डिग्री के पार, सरकार ने एक्शन प्लान बनाया। बिजली विभाग ने फिर से गुजरात के बनासकांठा, पाटन, द्वारका, जामनगर, मोरबी और कच्छ में बेमौसम बारिश का अलर्ट किया जा रहा है। पटना में 40 डिग्री के पार मौसम का पारा, मौसम विभाग ने जताई और गर्मी बढ़ने की आशंका। मुंबई को लेकर मौसम विभाग की आशंका, मुंबई, ठाणे और रायगढ़ जिलों में लू की चेतावनी। अंडमान और निकोबार द्वीप के राधानगर समुद्री तट लोगों को कर आकर्षित,
ट्रिप के लिए यह स्थल लोगों की पहली पसंद बना। गुरुग्राम में तेज रफ्तार का कहर दिखा, फ्लाईओवर से नीचे गिरी गाड़ी, कार में सवार लोग गंभीर रूप से घायल। ओडिशा के जाजपुर में बड़ा हादसा, पैसेंजर बस फ्लाईओवर से नीचे पलटी, 5 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। जालंधर में एक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई, तस्वीरें आई सामने। कानपुर में नशा तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, बिहार के चंपारण का रहने वाला था तस्कर, पुलिस ने जख्मी किया। झालावाड़ में पुलिस ने 3 अभियुक्तों के अपहरण के आरोप में किया गिरफ्तार, बदमाशों ने एक युवक को बंधक बनाकर जबरदस्ती फर्जी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाए थे। देहरादून में कारोबारी को बंधक बनाकर लूट की घटना का पुलिस ने किया खुलासा, तमंचे के बल पर फल वाले शख्स को बंधक बनाकर लूट की गई थी, 3 गिरफ्तार। सवाई माधोपुर में पिता ने 2 साल की मासूम बेटी की जमीन पर पटक पटक कर हत्या कर दी, पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। आरा में संपत्ति हड़पने के मकसद से पाटीदारों ने बाप बेटे को मारी गोली। अलवर में प्रेमी के साथ मिलकर माने 6 साल के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया, पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया। यमुनानगर नाने ब्लेड से काटा बच्चे का गला, गिरफ्तार किया गया। महेंद्रगढ़ हादसे में आरोपी ड्राइवर के साथ शराब पीने वाले 4 लोगों को कोर्ट में किया गया पेश, ड्राइवर की गलती का हुआ उसको एहसास, कैमरे पर कबूला, स्कूल ने 3 महीने से तनख्वाह नहीं दी थी। दिल्ली में फायरिंग के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर ने छोड़ा रंगदारी का धमकी भरा हुआ पत्र, जांच में जुटी है पुलिस। अयोध्या में रामनवमी से पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से परिसर को रोशनी से सजाया गया, राम के दरबार की खूबसूरत तस्वीरें दिखी। बुधवार को रामनवमी के लिए बेहद उत्सुक है अयोध्यावासी भी, पुलिस प्रशासन और ट्रस्ट की तरफ से सभी तैयारियां पूरी। महाराष्ट्र के अकोला में दिखी रामनवमी की धूम, खूबसूरत सजावट की तस्वीरें दिखी। मशहूर गायिका शहनाज अख्तर ने भक्ति गीतों से बांधा समा, रामनवमी के मौके पर आयोजित शहनाज अख्तर के भक्तिमय संगीत कार्यक्रम में जमकर थिरके लगे। साईं बाबा रामनवमी उत्सव के मौके पर पालकियों के साथ हजारों पदयात्रियों का जमावड़ा दिखाई दिया।